क्या मजाक है, युद्ध कर दो। कौन सा युद्ध कर दो? पहले घर के अंदर जो कर सकते हैं, इन बदमाशों को वहां पे ठीक करो, इनके इनका इलाज करो। नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। आतंक के खिलाफ युद्ध पर जी न्यूज की एक बड़ी कवरेज लगातार जारी है। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो, कश्मीर पर भारत का सिर कभी झुका लोगे ये मत समझो। अमन सिन्हा साहब बीजेपी से, विकास गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट, एमएस बिट्टा साहब चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, अजय मल्होत्रा साहब फॉर्मर डिप्लोमैट, कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ, एयर मार्शल रिटायर्ड अनिल चोपड़ा साहब रक्षा विशेषज्ञ तौर पर, और साथ ही कॉमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। तो हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जल थल और वायुसेना तीनों के एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हों और हमें बता सके क्या विकल्प इंडिया के पास है। बिट्टा साहब सीधा आपके पास आ रही हूं, क्या पाकिस्तान युद्ध के बिना मानेगा नहीं सर? अब कैसे कह सकते हैं युद्ध कर दो? अपने राष्ट्र के अंदर पहले अपनी सुरक्षा व्यवस्था उनको हम मजबूत करें, फिर युद्ध की तरफ चले जाओ। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। कश्मीर के अंदर 370 धारा हटाए ना, कितने वर्ष हो गए, 370 धारा हटाते नहीं, पत्थरबाजों को ठीक करते नहीं, तो करने चले बात युद्ध की। पहले कश्मीर हमारा है, पूरी फोर्सेस वहां भेजो और इनको वहां पे ठीक करो। हम 45 जवान शहीद होते हैं, उसकी तो चर्चा होती नहीं है कि उतना जवान शहीद हो गए, जवान शहीद हो गए। अरे हुए क्यों, हमारी क्या कमियां थी इसमें? मैं सरकार को गलत नहीं ठहराऊंगा, जो भी जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने इतना लंबा काफला भेजा, 45 के बाद फिर मेजर, फिर आज हम कहते 3 आतंकवादी मार दिए। अरे बड़ी बड़ी कामयाबी कर ली, 3 के साथ 2 हमने गवा भी लिए, बाकी जख्मियां हुए। क्या मजाक है, युद्ध कर दो। कौन सा युद्ध कर दो? पहले घर के अंदर जो कर सकते हैं, इन बदमाशों को वहां पे ठीक करो, इनके इनका इलाज करो, फिर उसके बाद अगली बात करें ना। युद्ध कर दो, युद्ध में क्या क्या होगा? युद्ध में इधर नुकसान कितना होगा, कभी देखा? पहला नुकसान तो हम झेल नहीं पा रहे, 45 जवानों का हम झेल नहीं पा रहे। हर हिंदुस्तान के बच्चे बड़े, हर व्यक्ति की आंखों में आंसू है, हमारे हो या ना हो पॉलिटिशियनों के, पर हर व्यक्ति की आंखों में आंसू है। युद्ध कर दो, मैं इससे सहमत नहीं हूं। पहले घर के अंदर, कश्मीर के अंदर, पंजाब की तरह जैसे पंजाब के अंदर हमने आतंकवाद सही किया, गोली का जवाब गोली दिया, तो कश्मीर में गोली का जवाब गोली दिया जा रहा है, पर इनके खिलाफ कार्रवाई पूरी की जाए, फिर उसके बाद युद्ध की बात हो। एक बात बिल्कुल क्लियर मैं बता दूं, जैसे बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट ने बताया, इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी टेररिज्म के खिलाफ क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं, मेरा कौन से लेना देना नहीं है। पर यह कहना हमारी पार्टी के टाइम पे, क्या हम जवानों के बक्से पकड़े थे? क्या हम जवानों के खाने पकड़ के गए थे? क्या जब पत्थर फेंके थे जवानों के, क्या जवानों को जफ्फा मार के उनका साथ दिया था? क्या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम नहीं कह सकते हमारे टाइम पे अगर हमने इसराइल की तरह हमने स्टूडेंट को लेके, पॉलिटिकल पार्टियों ने लेके बंदूक पकड़ी है जवानों के साथ, उनके घरों में गए जवानों के साथ, मैं हूँ या कोई हो, हमें कहने का हक है। हमें जवानों के ऊपर, शहादतों के ऊपर, फौज के ऊपर राजनीति करने का किसी को हिंदुस्तान में हक नहीं है। मोदी जी ने किया है, मैं सहमत हूँ, पर उसको पार्टी के साथ मत जोड़िए। बेटा साहब जल्दी से आपकी बात, फिर मैं अमन सिन्हा जी को लेकर आती हूं। मुझे एक चीज बताओ, इतनी मिसाइलों की, रॉकेट लॉन्चर, इतनी कुछ बातें की गई, मेरी समझ से ये बात बाहर है। मैं मानता हूं कि पिछले 4.5 साल के अंदर ये हथियारों के लिए, डिफेंस के लिए बहुत काम किए गए, रफेल सब चीजों के ऊपर। अरे 45 जवान तो आप बचा नहीं सके, उनको प्लेन में बरान बानी जब अटैक वहां पे हुआ, वहां 8,000 जवान भेज दिए, 45 जवान तो आप बचा नहीं सके। बात मिसाइलों की, रॉकेट लॉन्चर की करते, पहले अपने जवानों को तो बचा लेते। हमारे जवान, बार बार उस मुद्दे पे आऊंगा, नहीं छोड़ूंगा इस मुद्दे को, हमारे 45 जवान शहीद क्यों हुए? हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कमी थी, इसको कोई मत सोचे कि ये मैं बीजेपी के ऊपर या नरेंद्र मोदी के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ। हमारे 45 जवान हमारी गलतियों से शहीद हुए, मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर, तोपें, रफेल, किस बात पहले 45 जवान क्यों नहीं बचाए? अमन सिन्हा साहब, ऑप्शंस भी बता दिए हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको, बिट्टा साहब ने सवाल भी उठा दिया। भाई भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कमिटमेंट जो इश्यूज पे, आप अगर एक्शन में देखें, कौन जिसने भारत को न्यूक्लियर स्टेट बनाया, भारत को आणविक शक्ति, न्यूक्लियर पावर, हमारी सरकार ने फैसला लिया,
किसने हम पार्टियों को बड़ा मान लिया, राष्ट्र को नीचे कर दिया भाई। तो मुझे लगता है किसी को इल्जाम नहीं लगाते जनाब, हम किसी को बुरा नहीं कहते। बोलिएगा मुझे अपनी बात के खिलाफ कर लेने अच्छा काम किया आप स्टूडियो में बैठे, की हिम्मत रखो तभी राष्ट्र बचेगा, मुझे बात सुनेंगे राष्ट्र ने। मुझे आपकी बात से कोई कितना गुस्सा है, लेकिन आप क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में कमल हसन जैसे लोग जिनको जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, जो जनता संग्रह कराने की बात करते हैं। मैं इसका मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा। सिद्धू जैसे लोग मैं सेना ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, सेना सिर्फ और सिर्फ